मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा खंडमंडलाकारं व्याप्तवीरचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः दुर्गाय नमः शीतला देवी नमः यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वै वेदै सांगपदे क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः चंद्रमा मनसो जातचसोः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतः दीपो वै प्रब्रह्म दीपो प्रकाशकम् दीपो हरति मे पापम् प्रातः ज्योति नमोऽस्तुतेः दीप ज्योति ब्रह्म ज्योति सूर्य ज्योति नमोऽस्तुतेः ॐ जय आगम निगम
पानी माँ तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योग निरावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो काजत काल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मंजीरा पूरी बाजत डमरू अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता मां संतन के सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन धार निराधर अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्री माल के तुम्हें विराज माडोला गर में विराज अगर कोट में विराज माँ गुरु ग्राम में विराज माँ कोटि रतन ज्योति ओम अम्बे गौरी माँ शीतला जी की आरती जो कोई घर गावे मैया प्रेम सहित गावे सहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मन मन धन सब कुछ है तेरा मैया सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अर्पण मैया जी को हमारे पानी क्या लागे मेरा ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करनी मैया संकट हरणी मैया जय श्रोत्रा तथा लोकान् अगल्वयान्नः ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मनिम जलम प्रोक्षित तावदीयमस्तुतो गवेषमर्पित महालक्ष्मी नमः वरुणाय नमः शीतला दिव्ये नमो नमः प्रातः काले भोगराट्रिं समर्पयामि महालक्ष्मी नमः बुर्णाय नमः शीतला दिव्य अर्पणमस्तु जलिन श्रीकरणं महां
प्रथमं शैलपुत्रीं जय द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्दगं पंचमं चाष्टकं नवमं सिद्धिधाम हरिनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणीं विश्वे दुर्गमे जीव भयाता शरणं गता नैतेषां जायते किञ्चित् अशुभं मृणसङ्कटे नाप्तं तस्य पश्यामि चोक् दुःखमनहि येस्तु भक्त्या समर्थानं तेषां हृदि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षितान्न संशयात् रोगान शेषान पहंस दुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता हयाश्रितां प्रयान्ति देवी प्रपन्ना त्रिहरि प्रसीद प्रसिद्ध मातर्जत्वखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पारिविश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः यजेन यजमय यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्द तेहनाकं महिमान सज्यन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तम् गिरणास्य परमेश्वरि प्रातः नमस्कारार्थं ध्यान मंत्रम् वंदना पाठादिकं समर्पयामि प्रातःकाल नमस्कारार्थं समर्पयामि हृदयार्घ पूज्या मा भगवती गुरुग्राम विराजमान शक्तिपीठ रूपेण शीतला देवी प्रियन्दान मोह मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तु मे आह्वानं न जानामि त्वर्चनं पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं त्वदर्शनात् पापोऽहं पापिकर्माहं पापात्मपापसम्भवान् त्राहि मां शीतले माता सर्वपापहरो भव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् दयाभावेन रक्षस्मान् परमेश्वरि ॐ द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराव शान्तिरोखधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सावा शान्तिरेधि सुखशान्तिर्भवतु सर्वार् शान्तिर्प्राप्नोतु जयकाराय गुरुदेवाय मायिका कई बार पूछ रहे हैं सब लोग आजकल श्राद्धों के अंदर पंडित जी भी आ गए एकादशी का व्रत जो श्राद्ध जो है कब करना चाहिए श्राद्धों में वैसे तो अलग बात है श्राद्धों में एकादशी का श्राद्ध कब करना चाहिए मेरी और पंडितों की अलग राय है अन्न का तो करना ही नहीं है एकादशी का श्राद्ध एकादशी वाले दिन ही करना चाहिए कई लोग ये बताते हैं कि एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए लेकिन मेरी मतांतर में ऐसा नहीं है
एकादशी का श्राद्ध एकादशी को ही करना चाहिए। आप लोग जो है फल का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अन्न दान नहीं करना है, उसकी आटे की उसकी बढ़ा सकते हैं पूड़िया आप जो है, और साबुदाने खीर वगैरह बना करके उसका भोग लगा सकते हैं, ठाकुर भगवान जी को गौशाला में पंडितों को दान दे सकते हैं। लेकिन एकादशी का श्राद्ध एकादशी के दिन ही करें। यदि पिंड दान करने आदि की आपको किसी ने बताया है तो उनके नाम के पिंड जो है आटे से जौ से बना करके आप जो पानी बहा सकते हैं अमावस्या के दिन, उस दिन नहीं, अन्न का दान उस दिन नहीं किया जाता। और यदि अन्न का दान करना है तो उसके निमित्त जो है अमावस्या के दिन पिंड बना करके आप जो पिंड में उनका जो है जल में प्रवाहित उसको कर सकते हैं। सबको सूचना के लिए मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी जानकारी है, अलग अलग राय है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने आप लोगों को बता दिया। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व सुवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते पुनः तिरुभारतम्।